पूर्णिया के दर्शकों को हास्य हाजिर जवाबी और भरपूर मनोरंजन मिलने वाला है। आगामी 6 मई को देवे मिसिर नामक नाटक का मंचन होने जा रहा है। यह मंचन कला भवन के ओपन एयर थिएटर में आयोजित होगा। इस मामले में कार्यक्रम के संयोजक संजय बैनर्जी और चंद्रशेखर मिश्र ने स्थानीय होटल श्री नायक कैंपस में एक प्रेस वार्ता कर लोगों तक इस नाटक मंचन का उद्देश्य बताया। पेश है प्रेस वार्ता के अंश। ये परंपराएं, बहुत सारी परंपराएं विलुप्त हो चुकी हैं। कुछ परंपराएं विलुप्त होने के कगार पर है, कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम आज भी बचा सकते हैं। सात्विक भोजन जो देसी बीज से होता था, देसी तरीके से, वो ख़त्म है। हंसी एक बहुत ही आवश्यक चीज़ है जो हमारे जीवन से विलुप्त होता नज़र आ रहा है, और ये पूर्णतः विलुप्त नहीं हुआ है। फिल्मों के जरिए, टेलीविज़न के जरिए, सोशल मीडिया में हंसने हंसाने की बातें रोज़ होती रहती है, पर कभी कभी पता चलता है कि दुनिया को हंसाने वाला वो कलाकार, वो व्यक्ति आज खुद मोहताज है, हंसने के लिए मानसिक तनाव पर है, मेंटल डिप्रेशन में है। कई कई जगह पार्कों में हमने देखा है, सुबह सुबह लोग हा हा बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं, हंसने का प्रयास करते हैं, पर वो हंसी नहीं होती है, वो दिल से आवाज़ नहीं आती है। ऐसा हमें लगा कि कुछ ऐसा करें कि लोगों को याद दिलाएं, जागरूकता हो, या चंद पलों के लिए लोगों को दिल से हंसाने का एक प्रयास पर हम लोगों ने सोचा, और एक नाटक आगामी 6 मई शाम को 7 बजे कला भवन में हम खेलने जा रहे हैं। वो हास्य रस पर है। हम सभी लोग बीरबल का नाम सुने हैं, गोनू झा, तेनाली राम, हमारे बंगाल से गोपाल भाड़ थे, तो मगध में देवन मिसिर नाम के एक व्यक्ति थे जो हाजिर जवाबी के लिए बहुत ही परिचित, चर्चित, और कहा जाता है जिसकी लाठी उसकी भैंस, उन्हीं का कहा हुआ है। तो यहाँ पे हम कुछ भी कर सकते थे, लेकिन हमें एक जगह और लगा कि एक सांस्कृतिक एक्सचेंज, कल्चरल एक्सचेंज होना चाहिए। मिथिला के लोग गोनू झा को जानते हैं, तो देवेन मिसिर को शायद बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, और वो क्या थे। संयोग से पटना की एक टीम, प्रयास ग्रुप, मनीष मेहमाल जी हैं उसमें और कई लोग हैं, तो उन्होंने देवेन मिसिर को लेकर एक फिल्म बनाया जो एकदम आज की बात है, अभी सेंसर बोर्ड में है, और देवेन मिसिर नाम से ही उन्होंने फिल्म भी बनाया और नाटक भी कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा मौका था, हम लोगों से उनकी बातचीत हुई, उन्होंने स्वीकार किया पूर्णिया आने के लिए और देवेन मिसिर नाटक हमारे लिए यहाँ प्ले करने के लिए। विद्वान का स्त्रीवाची है विदुषी, और बीच में एक नया शब्द है विदूषक। विदूषक स्त्री भी हो सकते हैं और पुरुष भी, इसलिए विदूषक की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रही है समाज में। विदूषक हास्य और व्यंग के माध्यम से समाज के ज्वलंत मुद्दे को उठाने का काम करते हैं ये लोग, जो बहुधा हम अन्य शब्दावली में जिसे व्यक्त नहीं कर सकते, उसे व्यंग के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। हास्य से जहां हम अपने को तरोताजा करते हैं, स्फूर्तिमान करते हैं और जीवंत करते हैं, वहीं इस विधा में जो निष्णात होते हैं वो विदूषक कहलाते हैं। उसके वक्रोक्ति कथन, उसकी वचन भंगिमा, उसकी वाक चातुरी, यह सब कुछ हमारी एक परंपरा रही है। तेनाली रामा या फिर बीरबल, ये तो बड़े नाम हैं, लेकिन कुछ ऐसे नाम भी हैं जो अपेक्षित प्रचार प्रसार से दूर हैं, मरहूम हैं। उन ख्याति प्राप्त व्यक्तित्व को जनमानस पर लाना इस नाटक का लक्ष्य है, और नाटक का गौण लक्ष्य है कि हम जीवन को सरस, सुगम और सार्थक कैसे बनाएं, और यह तभी होगा जब हम हसमुख हों, हम मिलनसार हों और हम में प्रत्युत्पन्न मतित्व की क्षमता आए। आज प्रतियोगी परीक्षाओं में रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं,
ये रीजनिंग के प्रश्नों के जो उत्स हैं वो आए कहां से, तो ये सब का आगमन इन्हीं तथ्यों के आधार पर मुखरित हुआ है। इसलिए पूर्णिया की धरती पर एक नया प्रयोग करते हुए, यहाँ भी नाटक मंडली है, एक से एक अच्छी नाटक मंडली है, लेकिन इन नाटक मंडलियों से नाटक नहीं कराकर बाहर के टीम के द्वारा किसी खास प्रोजेक्ट के तहत हम इस देवेन मिश्र नाटक के मंचन का प्रयास हम लोगों ने किया है।